हरियाणा में जातिवाद एक गंभीर मुद्दा है। समय समय पर यहाँ पर उच्च व नीच जाति के लोगों के बीच में दंगे होते रहते हैं। अप्रैल 2010 में गांव मिर्चपुर में जातीय दंगा हुआ, जिसमें जाट समुदाय के लोगों ने दलितों की बस्ती पर आग लगा दी। ये लड़ाई दंगे हुए क्यों थे? पहले शुरू में हुई थी लड़ाई बच्चों की, जाटा नगर में एक घर की दो घर की लड़ाई और सारा बगड़ का आग लगाई थी। इसमें मेरे पिताजी और मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, उन्होंने जला दिया था और 18 घरों को आग लगा दी थी, 30-40 लोगों को घायल कर दिया था। हरियाणा में जाटों का प्रभुत्व है, यह केस प्रभावित न हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई दिल्ली में करने व आरोपियों को तिहाड़ जेल में भेजने के आदेश दिए हैं। इसी आदेश के विरोध में जाटों ने आंदोलन छेड़ दिया है। उनकी मांग है कि सुनवाई दोबारा से हरियाणा में ही हो। आंदोलन के डर से ही पुलिस के साए में रह रहे दलितों ने एक बार फिर गांव छोड़ दिया है। अब यहां दलितों की बस्ती में केवल सुनसान गलियां व घरों के ताले लटके ही नजर आ रहे हैं। सारा फर्क पड़ रहा है, के पूछेगा तो सारा पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ते लिखते, काम धाम कड़ मिला था सारे, एक और गुंडा में भी नहीं बुलाते, पूरे भी नहीं बुलाते, इसलिए तो बालक लिखड़े है बाहर, और क्या अंतर लिखड़े, काम नहीं धंधा खावे के आने स्कूल जाओ बस, रिश्तेदार भी कौन लेते क्योंकि यहाँ पर लोग दिहाड़ी पे काम धंधा करने लगाते, नज़दीक के मैं जो इनके आस पड़ोस के गुआंढ हैं उनमें भी नहीं लगने देते, मैंने जहाँ जहाँ इनका दबाव ऐसे दबाव बना रखा, ये मैंने आंदोलन की वजह से गांव में डर का भय हो गया और लोग वहाँ से चल पलायन करके मिर्चपुर में मैंने इसार में चले गए हैं। और अब हम हमारी सरकार से या प्रशासन से यही गुहार है कि हमारे लोगों को मतलब कोई रोजगार का प्रबंध करे जिससे हमारा पुनर्वास हो, अगर पुनर्वास होगा तो तभी हमें न्याय मिल सकेगा। मैं पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हूँ। हरियाणा में जाट समुदाय के लोग पिछड़े वर्ग व दलितों को हमेशा से नीचा मानते आए हैं। मैं कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार से कि वो आंखें बंद करके न बैठे बल्कि दोषियों को सजा दिलवाए। कुर्सी पर बैठे लोग ये ना सोचें कि आरोपी लोग उनकी जाति के हैं, बल्कि वे भारतीय होने के नाते सोचें। भारत में सभी समुदाय जाति वर्ग के लोगों को समान रूप से रहने का अधिकार है। मैं सत्यवान वर्मा मुगलपरा हरियाणा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।